स्टेशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। 77 ऑनवर्ड अभी तक बहुत कुर्बानियां दी, जिसमें छातें, कोड़े, फांसियां सब कुछ शामिल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझी थी कि जो आइन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस कौम को दिया वो एक जमानत है इस मुल्क की वफाकियत के लिए। और जो जो प्रोविजंस इलेक्शन कमीशन के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझिए कि उन पर अमल दरामद होना चाहिए। बिलखसूस जो आर्टिकल 224 है वो एक वक्त मुतय्यन करता है कि जब असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी तो उस 224 में जो मुद्दत दी गई है उस मुद्दत के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। आज हमारी जो मुलाकात हुई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से और जो हमने मौकफ अपनाया वहाँ पे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नए इलेक्शन की डेट दे और उसके लिए शेड्यूल दे कि कौम में बहुत इस्तराब है, बेचैनी है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि नए इंतखाबात के लिए डेट दी जाए और उसका शेड्यूल दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने हमारा मौकफ़ सुना और उन्होंने कहा कि हम इस पर अपनी मीटिंग्स करेंगे और आपको कन्वे करेंगे। तो हम समझते हैं कि इलेक्शन डेट देना बहुत ज़रूरी है और आइन की जो प्रोविजंस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन डेट दी जाए, ये हमारी गुफ्तगू शनीद हुई है। और उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी मीटिंग के बाद मुत्तला कर देंगे। ये बुनियादी नुक्ता हमारा ये था जिस पर हमारा इसरार भी है, पीपल्स पार्टी का मौकफ भी है कि इंतखाबात आइन की दी हुई मुद्दत के अंदर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन कन्फ्यूज क्यों, ये तो सवाल आप उनसे करें। नहीं, मेरी बात सुन लेना कि मैं इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। मैं यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। हमने अपना मौकफ उनके सामने रख दिया कि जो आर्टिकल्स है आइन के उनके मुताबिक आप इलेक्शन डेट दें। उन्होंने कह दिया कि जी हम इलेक्शन कमीशन बैठ के ये फैसला करेगा और आपको आगाह कर देंगे। चल रहमान साहब आप बात करेंगे। मैं अकेला मौजूद नहीं था, पूरे मैं पहले इसका जवाब दे चुका हूँ। अगर आपने नहीं, हमने डिफिकल्टी रिमूव की थी। अगर उस वक्त CCI में 6 लोग मौजूद थे, मैं और नवीद कमर साहब मेंबर्स थे, कायरा साहब भी वहाँ मौजूद थे जो स्पेशल इन्वाइटी थे, और अगर जो अप्रूव हुई है सेंसस उसके अंदर अगर आप देखें तो आर्टिकल 51(5) पे जो एक बंदिश है कि जी अगर सीट्स चेंज होती हैं तो दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, वो नहीं हुई। हमने तो मुश्किल दूर की थी उसमें, अगर उसको आप इस तरीके से देखें। देखिए मेरी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन के खदशात हैं उनका जवाब वही देंगे कि उनके क्या खदशात थे, क्या जवाब थे। हम आपको बता रहे हैं सेंसस हो गए थे, सेंसस के फाइनल नंबर्स उन्होंने हमें प्रोविंस वाइज दिए। उन प्रोविंस वाइज नंबर्स पे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी, तो कोई कदगन नहीं थी इलेक्शन टाइम पे होने की। उसके लिए हमारी कमेटी की मीटिंग होगी।
जो भी जवाब हमें इलेक्शन कमीशन देगा, हमारी जो कराची में 25 अगस्त को मीटिंग हुई थी उसमें ये फैसला था कि इलेक्शन कमीशन आज की मीटिंग के बाद जो हमें रिस्पॉन्ड करेगा उसको हमारी सीसी की मीटिंग लाहौर में होगी और उसमें हम फैसला करेंगे हमारा अगला लायामल क्या होगा। थोड़ा इस एक सेकंड भाई, इसी सवाल के जवाब को थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं मैं कि देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा कि जो डिलिमिटेशन है वो इतनी एक्सटेंसिव नहीं होनी, क्योंकि सूबों के अंदर जो है वो वही सीटें रहनी हैं जो कि पहले थी। तो आपको इतना टाइम जो आपने एलैबोरेट दिया है उसकी ज़रूरत नहीं है, और ये काम जो है वो मुख्तसर अरसे में भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने हमें अश्योर ये किया कि हम इस बात पे गौर करेंगे और हम हो सकता है कि एक नया डिलिमिटेशन का टाइम टेबल दें। उसके साथ साथ ये भी बात उन्होंने कही कि हम और ये वेरीफाई वही करेंगे, लेकिन जो हमें एश्योरेंस दी गई कि इलेक्शन की तारीख भी उसके बाद अनकरीब हम दे देंगे। देखिए, इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि वो सही है या हम सही हैं। जो हमारा मौकफ है हमने उनके सामने भी रख दिया और आपके सामने भी। एक मिनट, एक बात सुने। एक जो आपने बात बार बार की है, जस्ट गिव मी लिटिल स्पेस, इधर आ जाओ। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ, देखिए अभी बार बार आप वही सवाल कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पे डाल रहे हैं। हमने बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से आज वाजे तौर पे कहा है कि ये आपकी और बहुत अच्छी मीटिंग हुई है, बहुत खुशगवार माहौल में, लेकिन हमने अपने जितने भी खदशात हैं डिले के हवाले से वो सामने रखे और कहा कि आइन हमारे लिए बालातर है किसी सब्सिडरी लेजिस्लेशन से, नंबर वन। नंबर टू, उनकी जिम्मेदारी बनती है जी फौरी तौर पर वो एक शेड्यूल अनाउंस करें, क्योंकि मुल्क में अभाम नहीं होना चाहिए। नंबर थ्री, डिलिमिटेशन जो हल्का बंदियों का अब सामने वो रख रहे हैं, एक तो ये अदालतों में भी मौजू सामने आ गया सब जूडिस है, लेकिन वो भी हल्का बंदियां जो हैं, जैसे अभी ये तीन बातें हुई हैं जी, और आगे न्यूट्रलिटी की बात वो तो होती रहेगी, लेकिन हल्का बंदियों के हवाले से कहा कि ये आइन में नहीं है तरजीह आइन में 90 दिन की है, तो टाइम उसके ऊपर वाला हो। और वो प्लीज़ उनसे ये सिर्फ तवक्को है, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराते हैं, वो ऑटोनमस हैं, वो एक उन्होंने अपनी हैसियत और एक रेपुटेशन बनाई है, तो अब वो मेहरबानी करके एक इलेक्शन शेड्यूल। पार्टी का वफ्द इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफा था। नैयर बुखारी ने कहा इलेक्शन कमीशन से कहा है नए इंतखाबात की तारीख दें। मुराद अली शाह ने कहा हल्का बंदी पर आइन में तरीक़ाकार दर्ज है। और अब यहाँ आपसे अहम खबर शेयर करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा मौतली का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद